हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मैं कहूं कि 13,206% का रिटर्न देने वाला शेयर जो 4950 का हाई लगाया, आज की डेट में 3700 के पास में ट्रेड कर रहा है, और 6-7 दिन पहले जब वो 4300 के पास ट्रेड कर रहा था तो सडनली एक बैड न्यूज़ के कारण बहुत बिग गैप डाउन ओपनिंग हुई और आज 3700 पर आ गया है। केमिकल का शेयर है, तो आप क्या बोलेंगे कि अब ये जो मल्टीबैगर है बेकार हो गया है, या इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर हम सही तरीके से देखें तो। पहले आप कमेंट में बताइए कि आपका नज़रिया क्या। आप जब अपना नज़रिया कमेंट में लिखेंगे और मेरी बातों को फिर समझेंगे और फाइनल समरी मिलाएंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ऐसे किसी भी स्टॉक में जब भविष्य में कुछ भी होता है तो आप किस तरीके से देख सकते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। शुरू करते हैं। दिल से शुक्रिया, बहुत तेज 30,000 मेंबर यूट्यूब चैनल में हो चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बहुत अच्छी अच्छी अपडेट मिल रही है। और जो लोग यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े हैं, उम्मीद करता हूं कोल इंडिया, पुकास इंडस्ट्रीज, खादिम्स, एंजल वन जैसे शेयर से बहुत फायदा ले रहे होंगे। तो एक मामूली सी फी देकर आप मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं, जहां लर्निंग और अर्निंग की बेहतरीन संगम मिल रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट को अपने डायरी में नोट कर लीजिए। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, हमें पहले ये देखना होता है कि जैसे ये केमिकल का शेयर है, तो पिछले कुछ वक्त में केमिकल सेक्टर के दूसरे स्टॉक में क्या गिरावट हुई थी या नहीं, तो आज हम ये देखेंगे। फिर चूंकि मल्टीबैगर की हम बात कर रहे हैं तो इसके फंडामेंटल कैसे हैं। तीसरा जो हमने बात किया कि इनिशियल फेज में स्टॉक गिरा है, तो आखिर ये इनिशियल फेज में गिरा क्यों है, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, वो कैसे रिलेट करता है, क्या वो शॉर्ट टर्म रिलेट करता है या वो लॉन्ग टर्म रिलेट करता है। इन सब बातों की जब हम एक समरी बनाते हैं वैल्यूएशन को देखते हुए, क्योंकि वैल्यूएशन क्या बोला, एक बड़ी यूनिक चीज़ बोली, यूनिक चीज़ इन द सेंस हर वीडियो में बताते हैं, बट ऐसा स्टॉक जो 5,000 से गिरकर 3700 है, और सोचो किसी ने अगर ऊपर के भाव में लिया हो 4800 में 4700 में, तो उनके लिए तो भैया फंस गए। तो वहाँ पे ये वैल्यूएशन नाम का तड़का जब लास्ट में एक समरी देता है ना, तो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट मिलता है और आपको समझ में आता है कि आप एक्चुअली ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कितना गलत कर रहे हैं। बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, अगर आप एक लाइक करेंगे तो बहुत मोटिवेट मिलेगा और बिल्कुल इसी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है नवीन फ्लोरिन, जिसमें कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आई थी। तो हमने एक और मेहनत की है आपके लिए, सिर्फ नवीन फ्लोरिन नहीं, पास्ट में जब मैनेजमेंट जैसे इशू किसी दूसरे दिग्गज शेयर में हुए हैं उसने कैसे रिएक्ट किया है, आपको ये भी जानने को मिलेगा, तो आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक मंथ में नवीन फ्लोरिन में जो गिरावट हुई है वो सिर्फ इसी कंपनी में हुई है या इनके कॉम्पिटिटर में भी हुई है, करेक्ट। इससे पता चलेगा पूरे इंडस्ट्री की कहानी, ठीक है। और इस पीयर परफॉर्मेंस में हम पिडिलाइट, टाटा केमिकल, दीपक नाइट्रेट को देखेंगे, ठीक है, और नवीन फ्लोरिन से कंपेयर करेंगे। तो सितंबर के हाई से अक्टूबर तक पिडिलाइट 5.86% गिरा, टाटा केमिकल 9.98% गिरा, दीपक नाइट्रेट 12.93% गिरा, नवीन फ्लोरिन 22.74% गिरा है। मतलब अच्छे कॉम्पिटिटर के मुकाबले, और मैंने कंपनी दिग्गज रखी, कोई हल्की कंपनी नहीं ली, सारे अच्छे कंपनी ली, उनके मुकाबले क्या हुआ, नवीन फ्लोरिन ज़्यादा गिरा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, करेक्ट है। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है ये जानने से पहले, जो मैंने कहा कि बिजनेस रेवेन्यू फाइनेंशियल को देखते हैं क्योंकि मल्टीबैगर शेयर है, तो अब मल्टीबैगर रह गया या नहीं रह गया, अब इस दूसरे पे आते हैं। ये जो नवीन फ्लोरिन है ना, मफतलाल ग्रुप का एक पार्ट है, 1967 में शुरू हुआ था और इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल हाउस है और लार्जेस्ट स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल मैन्युफैक्चरर है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वेस्टर्न इंडिया में सूरत दहेज में और सेंट्रल इंडिया में देवास में, और सूरत में R&D सेंटर है। ये जो कंपनी है एक केमिकल कंपनी है जो रेफ्रिजरेशन गैस, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, स्पेशलिटी ऑर्गेनो फ्लोरिन प्रोड्यूस करती है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस देती है। मतलब खुद भी गैस और फ्लोराइड्स को प्रोड्यूस करती है और साथ में दूसरे कंपनी के लिए केमिकल का रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है।
अब तीन सेगमेंट में काम करते हैं, पहला है स्पेशलिटी केमिकल का प्रोडक्शन, दूसरा है हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट HPP और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दूसरे कंपनी के लिए R&D और मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। अब आते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप पर। तो स्पेशलिटी केमिकल से 46.74% रेवेन्यू, HPP से 34.35% रेवेन्यू, CDMO से 18.91% रेवेन्यू आता है। ओवरऑल तीनों सेगमेंट ग्रोइंग फेज में है, ये भूलिएगा मत, ये इंपॉर्टेंट आता है किसी मल्टीबैगर को देखने में कि सेगमेंट सिर्फ देखने में इतना इतना रेवेन्यू है या वो ग्रो हो रहा है। तो वो ग्रो हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट आता है जो आपके स्क्रीन पर भी दिखा है। अब यहाँ पर इंडिया से जो रेवेन्यू है 34% और एक्सपोर्ट से रेवेन्यू 66% का है। तो यहाँ तक बिजनेस हो गया, रेवेन्यू हो गया, करेक्ट है, ग्रोइंग फेज हो गया, इसको समझ लिए। ईयर ओवर ईयर बेसिस पर सेल और नेट प्रॉफिट दोनों 43% बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 55% बढ़ा है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली बेसिस पर सेल बढ़ा है 24% और नेट प्रॉफिट -17%। मतलब 2022 के जून क्वार्टर में जितना प्रॉफिट हुआ था, जून 2023 में नेट प्रॉफिट 17% क्या हो गया, डाउन हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन बढ़ा है और डिप्रिसिएशन भी बढ़ा है। इंटरेस्ट बर्डन आप समझ गए होंगे, और डिप्रिसिएशन को ऐसे समझिए कि कंपनी के पास जो एसेट होता है ना, उसमें कुछ एसेट जैसे लैंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ता है, मगर कुछ एसेट जैसे कार मशीन ETC जैसे एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है, और यही डिक्रीज होते हुए वैल्यू को कंपनी अपने PLN में शो करती है, तो इसी वैल्यू को डिप्रिसिएशन कहते हैं। और इसी के कारण कंपनी का ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट क्या, डाउन। अब पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, तो 10 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 14%, प्रॉफिट ग्रोथ है 24%, 5 ईयर का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 18%, प्रॉफिट ग्रोथ है 15%। 3 साल के कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ पे आते हैं तो 25%, प्रॉफिट ग्रोथ -3%। ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स ग्रोथ हुआ है 42% और प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 29%। तो ओवरऑल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस सही दिख रहा है। एनुअल परफॉर्मेंस और ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली दोनों को छोड़ दें तो बाकी सब सही। इसके अलावा डेट टू इक्विटी क्या हुआ, 0.39, मतलब कर्ज भी कम है। इंटरेस्ट रेशियो है 2.75, मतलब लिक्विडिटी इशू भी नहीं है। तो यहाँ तक हम कंपनी के बिजनेस रेवेन्यू फाइनेंशियल को समझ गए, यहाँ तक तो सही दिख रहा है। फिर बात आती है कि शेयर गिरा क्यों। तो शेयर में मेजर कारण है टॉप मैनेजमेंट का रेजिग्नेशन, मतलब कंपनी के MD और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर राधेश आर विलिंग ने 28 सितंबर 2023 को अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया। 15 दिसंबर 2023 इनका लास्ट वर्किंग डेट होगा, और अब तक के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर विशाद पी मफतलाल नवीन फ्लोरिन के MD होंगे। बस इतनी ही न्यूज़ थी 28 सितंबर 2023 को। इसके बाद 29 सितंबर को अप्रॉक्स 8.21% गैप डाउन ओपनिंग हुआ। अब इंपॉर्टेंट सवाल होगा, सिर्फ MD चेंज होने की वजह से इतना फॉल हुआ, मतलब लीडरशिप चेंज होने से कंपनी पे क्या असर होगा? बिल्कुल होता है, यही है लर्निंग। मैं अक्सर कहता हूँ कि बिजनेस में प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के विजन से ही कंपनी ग्रो करती है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब कंपनी के करंट MD मिस्टर राधेश आर विलिंग दिसंबर 2018 में कंपनी का MD पोजीशन संभाले थे, और इनके टाइम फ्रेम में कोविड क्राइसिस से लेकर 2023 तक कंपनी हाईएस्ट एवर सेल और प्रॉफिट अचीव किया था, और अपने टेन्योर में 2000 करोड़ से ज़्यादा का कैपेक्स भी किया था, कैपेक्स एक्सपेंशन। अब इनके कंपनी से निकलने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी का फ्यूचर डील जिस पर ऑलरेडी एग्रीमेंट बना हुआ है वो कैंसिल हो सकता है, जिसे कंपनी के फाइनेंशियल पर निगेटिव असर दिख सकता है। तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर आपको पता ही है मार्केट भगवान है, और मार्केट ने इस न्यूज़ को निगेटिव लिया और शेयर में क्या हो गया, गिरावट। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट में कंपनी ने 895 ESOP शेयर अलॉट किए हैं। अब इसका क्या मतलब है, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉई को कंपनी का शेयर ऑफर करती है। फिलहाल इसका डिटेल में नहीं जाएंगे, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि ये क्या होता है और आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ तक आप गिरावट की वजह समझ गए। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि क्या सच में टॉप मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है? बिल्कुल है, और मैंने कहा था हम एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करेंगे, और इसका एग्जांपल आप खुद अपने आसपास देख सकते हैं। आज के डेट में हर कोई आईफोन के दीवाने हैं। आपको पता होगा जब एप्पल के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स को बोर्ड मेंबर ने कंपनी से निकाल दिया था, उसके बाद तो कंपनी से निकालने के बाद एप्पल कंपनी की हालत ख़राब हो गई थी, और बाद में वापस से इनकी एंट्री हुई, और उसके बाद एप्पल
उस पुराने जमाने से भी बिग ब्रांड बन के निकल के आया, जहाँ पर लोग लाइन लगाकर एप्पल लेना चाहते हैं। मजाक में तो ये भी कहा जाता है कि लोग किडनी बेच कर एप्पल खरीदना चाहते हैं, ये दीवानापन है। अब आप कहेंगे विदेशी एग्जांपल दे दिया, देसी दीजिए, देसी भी देते हैं। देखिए 2011 में विप्रो का शेयर 17% गिरा था जब CEO सुरेश वासवानी रिज़ाइन किए थे। 25 साल से विप्रो के साथ थे। उसके रेजिग्नेशन के बाद कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे मार्केट को डाउट था और शेयर में फॉल हुआ। अब थोड़ा रिसेंट पे आ जाते हैं। 24 अगस्त 2023 को सॉपर स्टॉप लिमिटेड के MD और CEO वेणुगोपाल नायर ने रिज़ाइन किया था। 25 अगस्त को शेयर अप्रॉक्स 13% गिरा। मार्केट ने इस रिज़ाइन को निगेटिव लिया और शेयर में गिरावट आया। सॉपर स्टॉप का शेयर अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है और 24 अगस्त से 6 अक्टूबर 2023 तक अप्रॉक्स 17% गिरा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, ये क्या था एग्जिट की कहानी जहाँ पर शेयर गिरा। ऐसे ही जब किसी नामी गरामी दिग्गज MD की एंट्री किसी कंपनी में होती है ना, तो वो कंपनी के शेयर भी भागते हैं। और वो गोदरेज से रिलेटेड एक शेयर है जिसमें काफ़ी नामी गरामी की एंट्री हुई थी और उस पर वीडियो भी बनाया था हम लोगों ने। उसके बाद गोदरेज का वो शेयर बम्पर रिटर्न दिया था, बम्पर रिटर्न। कमेंट में बताइए तो पता चल सके आप मार्केट से कितने रिलेट करते हो। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जब तक आप इन छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को समझ के नहीं चलेंगे, जान के नहीं चलेंगे, कभी पैसे नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है 2 मिनट की वीडियो बने और फटाफट बता दिया जाए बाय और सेल। ऐसे ही लोग वो होते हैं जो सिर्फ बाय सेल सुनकर बाय करते हैं या सेल करते हैं और बाद में स्टॉक गिरता है तो परेशान होकर उसी लोगों को ब्लेम करते हैं। जबकि अपना धंधा बिजनेस के लिए 24 घंटा रगड़ते रहते हैं तो भी 3% का रिटर्न मिलता है। लेकिन जहाँ स्टॉक मार्केट जहाँ अनलिमिटेड रिटर्न मिलता है, वहाँ पर टाइम देने को इच्छुक नहीं है, तो सोचना आपका है, तभी 10 में 9 लोग लॉस में। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी स्टॉक में कोई न्यूज़ आती है तो हमें ये समझना होता है कि क्या ये न्यूज़ लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करेगा या शॉर्ट टर्म में। और विप्रो और एप्पल के एग्जांपल से क्लियर है कि अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो इस टाइप के न्यूज़ का असर शॉर्ट टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है। तो वहाँ पर हम लोग वैल्यूएशन, कंपनी के आने वाले रिजल्ट, कैपेक्स की प्लानिंग जो है उस पर नज़र डालते हैं। तो उम्मीद है कि इन एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि टॉप मैनेजमेंट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है और जब विप्रो और एप्पल जैसी कंपनी में फॉल आ सकता है तो दूसरी कंपनी की क्या ही बात है। और जब आप इस टाइप की एनालिसिस करते हैं तो कंपनी देखने का नज़रिया बदलता है और आप सही तरीके से एक मल्टीवैगर स्टॉक पकड़ पाते हैं। तो अभी तक हम लोग सारे पॉइंट को देख चुके हैं, अब हमारा आता है वैल्यूएशन का पॉइंट कि इतनी गिरावट के बाद भी वैल्यूएशन कहाँ है, वो होगा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो जानिए करंट PE 50.90, इंडस्ट्री PE 30.66, अभी भी ओवर प्राइस है। PG रेशियो 3.42, मतलब सुपर डुपर ओवर प्राइस है। अब आप समझ में आया, यानी सबसे पहले वो लोग जो ये कह रहे हम फंस गए, तो फंस गए वाला वर्ड दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए? क्योंकि आपने शेयर ही महंगा लिया था। जो हुई है घटना वो आपके सामने है, वो सच्ची है, वो सब सही है। लेकिन पहला तो ये समझ लीजिए कि अभी भी ये शेयर महंगा है। आई बात समझ में? अब आप कहेंगे इसका करेक्ट वैल्यूएशन क्या हो सकता है? जितना महंगा दिख रहा है उसके हिसाब से तो इसका करेक्ट वैल्यूएशन 2000 के लमसम का बनता है और फिर उसके बाद एक ग्रोथ स्टोरी वापस बनती है। लेकिन वही वाली बात है कि यहाँ पर ऐसी कंपनियों में हमें कुछ क्वार्टरली, कुछ कैपेक्स की जो आगे प्लानिंग है, जो दूसरा मैनेजमेंट है उनके विचारधारा पे कैसे चल पा रहा है, उन सब पे नज़र रखना होगा और तब हम एक फाइनल डिसीजन ले पाते हैं। तो ये है नज़रिया, कैसा लगा? कोई सवाल बच गया हो तो कमेंट में पूछिएगा और दिल से बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लर्निंग मिली या नहीं मिली, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब हर एक IPO चाहे SME का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक IPO की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है।